हेलो एवरीवन, दमेदास किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। भरवा करेले बनाएंगे आज। तो मैंने इसमें यहाँ पर लिए हैं 7-8 करेले, और इसको बनाने का प्रोसेस यह है कि सबसे पहले हमें करेले को छील लेना है, और छीलने के बाद इसमें भी एक साइड से एक छील के दिखाती हूँ मैं आपको। और करेले को हमने अच्छे से ऐसे छील लिया है, और अब इसका यहाँ से इसका जो टॉप है कैप, इसको काट देंगे, और इसको एक साइड से बीच से हम लगाएंगे कट। पूरा नहीं काटना है, एक साइड से कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसके जितने भी बीजें हैं इनको हमें निकाल देना है। एक चम्मच से भी निकाल सकते हैं, और आप चाकू के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। करेले को हमने पूरा इसके बीजे निकाल लिए हैं, और ऐसे ही करके हम ये जो 7-8 करेले हैं हम इन सब के इसी तरह से इसको छील लेंगे और इसके बीजे निकाल लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसके आगे दिखाती हूँ। और ये देखिए, हमने सारे करेले जो थे इनके छिलके अच्छे से निकाल दिए हैं, और अब इसमें हमें लगाना है नमक। तो मैंने यहाँ पर लिया है नमक, और ये मैं करेले में नमक लगा करके इसको लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं सारे करेले पहले एक प्लेट में जमा लेती हूँ, और अब इन सब के ऊपर हम ऐसे नमक भरभराएंगे अच्छे से। जैसे ये नमक अच्छे से स्प्रिंकल करना है अच्छी तरीके से। नमक लगाने से करेले का कड़वापन अच्छे से निकल जाता है, और अगर आपको थोड़ा सा कड़वा टेस्ट पसंद है तो आप मेरी नमक कम कर भी डाल सकते हैं, पर मैं नमक थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ जिससे करेले का जितना भी कड़वापन है वो पूरी तरह से निकल जाए, क्योंकि करेले का कड़वापन हर कोई नहीं खा सकता। तो बस मैं इस नमक में इसको ऐसे घुमा घुमा करके सब चारों तरफ से नमक लगा दूँगी। और ये देखिए, हमने सारे करेले में जो है नमक लगा दिया, और नमक लगाने के बाद अब ये देखिए नमक का जो कलर है ये चेंज हो गया है। करेले ने हल्का हल्का पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख रहे हैं। तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं मसाले की। और मसाले में हमें जो बनाना है उसमें मेनली हमें क्या फिलिंग तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 प्याज, इनको छिलके निकाल के अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, और इसका पीछे का ये वाला जो वाइट वाला पार्ट होता है वो भी हटा दीजिएगा। लहसुन ले लीजिएगा, 8 से 10 कली लहसुन के लिए मैंने एक हरी मिर्च लिया है, और हरी मिर्च से ज़्यादा हमें इसमें डालना है लाल मिर्च। तो आइए हम इनको चॉप कर लेते हैं बारीक। और करेले देखिए 10 मिनट के बाद इसने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब हम इस करेले को दो पानी से धोएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, उसमें मैं सारे करेले एक बार डाल दूँगी। और इसको दो पानी से हम धोएंगे जिससे कि हमारे जो करेले का कड़वापन और जो हमने नमक लगाया था उसे अच्छी तरीके से ये निकल जाए। और मैंने इसको एक बार अच्छे से मसल लिया है करेले को, वैसे अच्छे से इसको धोना है। एक बार धो के मैं निकालूंगी प्लेट में। ये दोबारा पानी हमने ले लिया है, और इसको दो बार पानी से धोने के बाद में हमको इसको कुक करना है। तो मैं इसका सारा पानी अच्छे से निकाल दूंगी, और इसको फिर मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और करेले को मैंने निकालने के बाद एक कपड़े पे सुखा दिया, जब तक ये इसमें अच्छे से ये कपड़ा इसका पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, तब तक मैं आपको इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो मसाले के लिए हमें लगेंगे। तो मसाले के लिए मैंने बताया था 3 प्याज लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन और मिर्च को मैंने कूट लिया है। इसके साथ मसाले में मैंने लिया अमचूर पाउडर, सॉल्ट, सफ़ेद वाला नमक, क्रश्ड धनिया पत्ता, हल्दी, धना पाउडर, कोरिएंडर सूखा वाला जो पाउडर आता है, और सौंफ, राई, सरसों जिसको कहते हैं, होल क्यूमिन सीड्स, जीरा, और थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पर मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स, काला नमक, और थोड़ा सा मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, और मैंने लिया है कुकिंग के लिए तेल। तो आइए हम सबसे पहले करेले को जो है तेल में हल्का फ्राई करना है। तो मैं करेले को तेल में फ्राई कर लेती हूँ, और साइड बाई साइड हम बनाएंगे हमारा करेले के अंदर फिलिंग जो बनाना है उसके लिए मसाला। तो सबसे पहले मैं पैन गरम रख रही हूँ, और ये गरम तेल में हम एक एक करके सारे करेले जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको उलटते पलटते हुए, थोड़ा सा चलाते हुए इसको कुक करना है, हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि मसाला भरने के बाद इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और अगर इसका तेल उठे तो आप इसको लिड से थोड़ा थोड़ा कवर भी कर सकते हैं। और अब इसमें ये लगभग मैं टाइम आपको बताऊँगी, लगभग 5 मिनट तो इसको कुक होना ही है, तब जाके ये कुक होने के बाद थोड़े से नरम हो जाएंगे। देखिए करेले को हमने शिफ्ट कर दिया है पीछे वाले गैस पे, और ये इसका जो स्पीड है ऑयल का, इसमें आराम से ये कुक हो जाए, इसलिए गैस का जो स्पीड है वो मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है। और ये धीरे धीरे कुक होते रहेंगे, और मैं इसको धीरे धीरे इसमें ऐसे पलटते रहूँगी, और तब तक जब तक ये कुक हो रहे हैं तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया पैन। पैन में डालूँगी लगभग 2 चम्मच भर के तेल मसाला बनाने के लिए।
तेल गरम हो गया है, इसके साथ हम डाल रहे हैं ज़ीरा, राई और सौंफ। इसको एक बार हल्का सा चला देंगे और साइड बाय साइड करेला अभी आपको चेक करते जाना। अगर आपसे नहीं हैंडल होता है दोनों चीज़ें एक साथ, तो आप पहले करेला तल के अलग रख लीजिए और उसके बाद आप मसाला बना लीजिए और फिर करेले में फिल कर दीजिए। ये होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अनियन, और इसको पकने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये लगभग 3 अनियन है। और इसको कुक होने देंगे, जब तक ये कुक हो रहा है इसका फ्लेम कर देंगे आप हाई, इसे थोड़ा पिंकिश हो जाए। और एक बार मैं तब तक अपने करेले चेक कर लेती हूँ। अब इसमें टाइम लगेगा, इसको लटते पलटते हुए आपको ऐसे कुक करना है, टाइम लगेगा इसमें भी। देखिए मैंने एक साइड से पका लिया, फिर दूसरे साइड से, ऐसे इसको पूरा अच्छे से कुक करना है जैसे ये अच्छा पक जाए और फिर हमको बाद में इसको ज़्यादा देर ना पकाना पड़े। इसको मैं हल्का सा कवर करके पका रही हूँ, आप भी हल्का सा कवर करके पकाइए। और ये प्याज को भी टाइम लगेगा, 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 3 मिनट के बाद देखिए प्याज का जो रंग है वो गुलाबी हो गया है। और अब हम इस स्टेज डाल देंगे इसमें कुटा हुआ लहसुन और मिर्च, और उसको भी मिक्स कर देंगे इसे बीच में करके। इसके ऊपर डाल देंगे अनियन, ये बीच में कुक हो जाएगा अच्छे से, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैं एक बार तब तक एक बार और करेले चेक कर लेती हूँ। अभी टाइम है, देखिए पास से पलट दीजिए, एक साइड हो जाए तो दूसरे साइड पलट दीजिए ऐसे। ये जो ऑयल हमने डाला ये पूरा रिलीज़ कर देगा, आई ऑयल ये लेता नहीं है, सिर्फ इसको सिर्फ कुरकुरा होने के लिए, थोड़ा सा मतलब पकने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ हमने क्योंकि नमक डाला है ज़्यादा, ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये बस अभी टाइम है, इसको बिल्कुल सिम पे करना है आपको, इस प्रोसेस को, करेले वाली प्रोसेस को। इसको हल्का सा कवर कर देंगे तब तक ये मसाला हमारा कुक हो रहा है। इसको एक दो मिनट चलाऊँगी मैं अभी। एक दो मिनट कुक करने के बाद हमें इसमें डालना है धना पाउडर, उसके बाद डालना है हमें इसमें हल्दी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके साथ हमें इस फिलिंग के मसाले में डालना है थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और इसके साथ ही सारे मसाले में थोड़े थोड़े करके डाल दें, ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं, सब अंदाज से डाल रही हूँ मैं, 7-8 करेले के हिसाब से। अगर आप करेला ज़्यादा लेते हैं, मसाला आप तीखा खाते हैं तो उस हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग कम तीखा खाते हैं तो कम मिर्च डाल रही हूँ मैं। और अब लास्ट में डालेंगे हम इसमें गरम मसाला और अमचूर पाउडर, थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर डाल रही हूँ मैं, और क्रस्ट धनिया पत्ता से इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपके पास ये धनिया पत्ता नहीं अवेलेबल हो तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यही हमारा फाइनल मसाला है जो हमको करेले की फिलिंग में भरना है। तो बस इसको मीडियम फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे ही पकाना है मसाले को भी, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और इसको चलाते रहना है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये हमारा मसाला, और टेस्टी भी बहुत बनता है ये मसाला। अगर फिलिंग में भरने के बाद भी मसाला बच जाए तो आप इससे कोई भी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, सूखा भी खाएंगे तो बहुत यमी लगता है। और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, लगभग 1-2 पिंच। मसाला हो गया है और हम इसको कर रहे हैं गैस को ऑफ, और इसको कवर कर देंगे। और हमारे करेले भी हो गए हैं लगभग, एक बार करेले को चेक कर लेते हैं। करेले कुक हो गए हैं, और इसको चेक करने का तरीका ये है, आप चाकू या नाइफ़ जो या जो भी थोड़ा धारदार चीज़ लीजिए, ऐसे इसको प्रेस करिए और ये अच्छे से गल जाता है, इसमें से ऐसे दब जाता है, इसका मतलब ये करेले रेडी हो गए। और ये देखिए जितना भी हमने तेल डाला था ये पूरा तेल इसने रिलीज़ कर दिया। बस हम करेले को बाहर निकाल के ठंडा करेंगे, और उसके बाद तब तक फिलिंग भी जो है वो भी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें भरेंगे हमारी फिलिंग, और उसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ प्रोसेस। और करेले भी ठंडे हो गए हमारे, और हमारी फिलिंग भी ठंडी होगी, और एक मैंने फिल कर भी दिया है क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुक्ड है, तो इसलिए हमें इसमें घबराना नहीं है, अच्छे से फिल करना है। तो मैं आपको एक फिल करके दिखा देती हूँ। मसाला लीजिए चम्मच में, करेले को ऐसे हल्का सा खोलिए और इसमें अच्छे से दबा दबा करके फिलिंग को फिल करिए। फिर लीजिए मसाले को, ऐसे स्प्रेड करिए सबसे पहले, उसके बाद अच्छे से इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, पूरी अच्छे से कवर होनी चाहिए क्योंकि करेले भी कुक्ड है और मसाला भी कुक हो चुका है। मतलब अब हमारा बस 2-3 मिनट का प्रोसेस ही और बचा, बस इसको मैं सब में फिल कर लूँगी ऐसे ही। और देखिए मैंने सारे करेले में अच्छे से मसाला भर लिया है और ये ऑलमोस्ट कुक्ड है। तो अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसको हल्का सा, जो मैंने करेले जिस तेल में फ्राई किए थे उस तेल में, इसको मैं हल्का सा रख के ढक्कन लगाऊंगी जिससे कि ये और अच्छे से, अगर इसमें कुछ कसर हो तो ये भी हो जाए। तो मैंने उसी कढ़ाई में इस सारे करेले को एक एक करके जमा देती हूँ।
और मैंने उसी तेल में सारे करेले रख लिए हैं और मैं इसको हल्का सा कवर कर दूंगी जिससे इसकी भाप में ये अगर कहीं पर बाकी हो तो अच्छे से कुक हो जाए और 2 से 3 मिनट के बाद ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएंगे। ये हमारे घर का बहुत ही फेवरेट सब्जियों में से एक है करेले की सब्ज़ी। करेले की सब्ज़ी को जब अपन सफ़र में जाते हैं तब भी आप ले जा सकते हैं, 4-5 दिन ख़राब नहीं होती है। और अगर इसके मसाले में जैसे मैंने प्याज डाला है, अगर आप प्याज अवॉइड कर दें तो बहुत दिन चल जाता है, पर मसाले में फिर अपने को थोड़ी सी तिल्ली यूज़ करना पड़ेगा। गार्लिक से सब्जियां ख़राब नहीं होती मगर प्याज से सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि प्याज अपना मॉइस्चर छोड़ देता है। फिर भी 2-3 दिन चल जाता है क्योंकि ये करेला अच्छे से कुक्ड होता है। तो सफ़र में ले जा सकते हैं, टिफ़िन में ले जा सकते हैं, गर्मियों में सब्ज़ी ख़राब नहीं होती तो खा सकते हैं। और बच्चे जो उस करेला नहीं खाते हैं वो इस तरह का करेला ज़रूर खाएंगे। तो ये बिल्कुल बन के अब 1-2 मिनट के बाद रेडी हो जाएगी, फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। 10 मिनट के बाद करेले आ गए प्लेट में, 5 मिनट हमने उसमें कुक किया था ऑयल में और उसके बाद मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था और उसी जो गरम कढ़ाई में इसको डाले रहने दिया था। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा चाट मसाला। ये सूखे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, आप दाल चावल के साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है इसको खा के। तो पेश है आपके लिए भरवा करेले, हमारे घर का फेवरेट सब्जियों में से एक। आप भी अपने घर पर बनाइए और मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिशेज़ विद अमिताज किचन। थैंक यू एवरीवन।